सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन है कि जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है वो कब स्टार्ट हो गया है, एंड हमारा जो सेमेस्टर है वो कब स्टार्ट होगा, फिर एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो कब रहेगी। तो इसी से रिलेटेड गाइस, पुणे यूनिवर्सिटी ने अपना जो अपडेट है वो दे दिया है, एंड जो टेंटेटिव डेट्स है वो भी रिलीज़ कर दिए है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया होगा उनके लिए गाइस ये जो शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही में अदर यूनिवर्सिटी की भी जो डेट्स है वो इसके आसपास ही जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है गाइस एक्सपेक्टेड डेट्स, कब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम एग्जामिनेशन होगी, कैसा पैटर्न रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो ये गाइस पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, एंड यहाँ पे गाइस हमें न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में ये जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। ये गाइस पूरा स्केड्यूल, इसमें सारी जो डेट्स है वो दी है। तो पहले मैं आपको जो डेट्स है वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट में एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे रहता है वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी पुणे यूनिवर्सिटी से ही जो एफिलेटेड कॉलेजेस है वहाँ से इंजीनियरिंग की है, एंड जो 2019 पैटर्न है वो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे आपके जो पेपर्स है वो होंगे। एंड ये सारे जो पेपर्स है वो मैंने फर्स्ट ईयर से लेके तो फोर्थ ईयर तक जो है वो दिए भी है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें वो मुझे पता है, वो सारी जो चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो जब भी इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस होती है तो मेनली जो कॉलेजेस है वो सेकेंड राउंड जब खत्म होता है तो उसके आसपास से जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले वीक में ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस में जो है वो इंडक्शन की प्रोसेस रहती है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपको इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो है वो होती है। तो ये सारी चीज़ों में एक हफ्ता जाता है, तब तक कैप राउंड थ्री जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर जो है वो आ जाता है। तो अगर आपको कैप राउंड थ्री में जाना है तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बट थोड़ा बहुत सकता है कि इंडक्शन आप जो है वो मिस कर सकते हो। बाकी सेकंड राउंड के आसपास से जो कॉलेजेस है वो शुरू होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस कमेंसमेंट पुणे यूनिवर्सिटी का, आप देख सकते हो यहाँ पे बीटेक फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पे जो डेट है वो दी है 7th ऑफ अगस्त, ठीक है, 7th ऑफ अगस्त से डेट दी है कि आप कॉलेजेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो 7th ऑफ अगस्त, एंड कंक्लूजन डेट है वो है 16th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो मेनली 7th ऑफ अगस्त से हो सकता है कि आपके कॉलेजेस में जो इंडक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, एक वीक रहे, या फिर कुछ कॉलेजेस में पढ़ाना भी जो है वो शुरू हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 22 जो एग्जामिनेशन डेट है वो दी है 19th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो 19th ऑफ दिसंबर को आपकी फाइनल एग्जामिनेशन, जो एंड सेमेस्टर एग्जाम बोली जाती है, वो जो है वो रहेगी, ऐसी टेंटेटिव डेट है। एंड वैकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो 18 अगस्त से लेके तो 6 जनवरी के आसपास का जो यहाँ पे वैकेशन है वो दिया हुआ है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वही अगर हम सेकेंड सेमेस्टर का देखते हैं तो ये फिर होगा 8 जनवरी से शुरू एंड ख़त्म होगा गाइज ये 5वें महीने में 4 तारीख तक, एंड 5वें महीने में ही आपकी 6 तारीख को जो एग्ज़ाम रहेगी वो रहेगी, ऐसा इन्होंने जो है वो बताया है, ठीक है। अब मैं आपको एग्ज़ाम का शॉर्ट में जो पैटर्न है वो बता देता हूँ। तो अभी देखो, सपोज करते कि 7 तारीख से आपकी जो सारी चीज़ें वो शुरू हो जाएगी कॉलेजेस की, ठीक है। तो 7 तारीख से लेके तो 16 दिसंबर तक आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा। अब इस बीच में आपकी और एक जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी। अब पुणे यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो दो एग्जामिनेशन होती है यहाँ पे, एक होती है गाइज यहाँ पे इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड एक होती है गाइज यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। कुल मिला के कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट रहेगा तो उस सब्जेक्ट में आपको कुल मिला के 6 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है, टोटल 6 यूनिट रहते हैं। जो भी आप बुक लोगे या फिर सिलेबस कॉपी देखोगे तो हर सब्जेक्ट में आपको 6 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। 6 यूनिट में से जो पहले 2 यूनिट है, स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट है, वो जो 2 यूनिट के ऊपर एग्जामिनेशन है वो आपकी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। एंड ये इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो 30 मार्क्स की रहती है, ठीक है। एंड जो बचे हुए 4 यूनिट्स है वो आपको फिर बाद में सिखाए जाएंगे, एंड इन 4 यूनिट्स के ऊपर, बस इन 4 यूनिट्स के ऊपर आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी, जो कि होती है गाइस 70 मार्क्स की, ठीक है। तो ऐसे करके 2 एग्जामिनेशन आपके एक सेमेस्टर में कंडक्ट की जाती है, एक होती है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड एक होती है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो पहले के 2 यूनिट्स होते हैं तो उनका वेटेज 15 मार्क्स का रहता है। पेपर कैसे आता है, कितने एक क्वेश्चन में कितने सब क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाया, साथ ही में उसमें मैंने पेपर भी दिखाया कि एक्चुअल जो इन सेमेस्टर का पेपर है 2019 पैटर्न का वो कैसे आता है, वो सारी जो चीज़ है वो बताई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। साथ ही में इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अगर आप 12 या फिर उससे ऊपर स्कोर करते हो तो आपके बैक लगने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं, वो कैसे वो भी मैंने उस वीडियो में बताया, तो वो ज़रूर से देख लेना। पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड एंड बाकी सारी जो चीज़ें वो मैंने पहले से कवर करके रखी है, जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प है
वो होगी उससे, बिकॉज मैंने ये सारे जो पेपर से वो पहले से दिए हैं, मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह जो है आ सकते हैं एंड पेपर पैटर्न कैसे हो सकता है, तो आपको भी उसी टाइप के जो पेपर से वो आएंगे, बिकॉज जो 2019 पैटर्न है इसके पहले 2015 पैटर्न जो है वो फॉलो होता था, उसमें जो पेपर पैटर्न वगैरह वो अलग होता था, फिर लेटेस्ट 2019 पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है एंड अभी यही पैटर्न जो है वो आपको रहेगा। एंड मेरी जो एडमिशन बैच थी इंजीनियरिंग की वो 2019 की थी, तो जब मैंने एडमिशन लिया था उसी टाइम ये पूरा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ था, तो हमने फर्स्ट ईयर से लेके तो फोर्थ ईयर तक सारे नए जो पेपर्स है वो देखे हैं, तो कैसा फॉर्मेट वगैरह रहता है वो बहुत अच्छे से समझाया है, वो ज़रूर देख लेना, आपको कॉलेज में एंटर करने से पहले सारी जो चीज़ है वो पता रहेगी एंड आपको उससे कोई भी जो गलती है वो नहीं रहेगी। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आपको कोई भी जो बैकलॉग है वो ना लगे, एंड अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल भी फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बैक लगने के जो चांसेस है वो नहीं रहेंगे। कोई भी कोर्सेस मत खरीदो, कुछ मत करो, बेसिक अगर आप पढ़ाई भी करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 8 पॉइंटर से भी अब जो है वो स्कोर कर सकते हो। मैंने 8.6 के आसपास स्कोर किया था, तब हमारी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर पूरी ऑफलाइन हुई थी एंड तब 8.6 के आसपास जो स्कोर है वो आया था। आपका भी इसके आसपास या फिर ऊपर जा सकता है बेसिक पढ़ाई करके, कोई भी कोर्स ना लेके, तो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में अगर आपको सिलेबस के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो एक बार बता देना, उसके ऊपर भी और मैं डिटेल में जो वीडियो है वो बना दूंगा। इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी जो चीज़ है वो चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से एंड बाकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगे तो वो भी मैं आपको दूंगा। तो सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पर मिलते रहे, एंड मिलते गए ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।